120-80 ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जो कि ये होता टॉलरेट करता है। पर जब इस बॉल के बीच कोई भी नॉर्मेलिटी हुए यानी कि ये बॉल कितनी कमजोर पै जाते हैं तो साइज बड़ा कम पैदा है। जब ये साइज बढ़ेगा तो ये जी परत है वो ब्रीक होंगी जाएगी तो एक स्टेज अजिही आएगी कि वह फटन का डर हो जाता है। हम इतने तुम देख सकते हो भी आ जी है नाड़ी फुल चुकी है तो ये खतरे का एक कह लो निशान है। हूँ साढ़े पेशेंट के बीच की होया कि नाड़ी फुल तो गई तो उसके नाल जी तीन परत मैं तुम्हें दसिया है अयोटा चुनियाँ वह चीरा आ गया। चीरा आना जानलेवा होंगे क्योंकि वो चीरा जो आता है तुम सोचो जो ब्लड प्रेशर साडा इन्ना ज़्यादा है तो बड़ी जल्दी रैपिडली एक्सटेंड करता है तो चीरा जो है हार्ट तो शुरू होया तो दोवें लत्तां तक चला गया तो आ चीज हैगी है जी शुरुआत हुई छोटा जहा एक कह लो भी चीरा आया तो बहुत जल्दी बढ़ के देखो दो ल्यूमन बन गए एक जिसे खून जा रहा है दूसरा देखो लीक हो रहा है तो वह वधदा 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 लत्तां तक पहुँच गया। तो अगली चीज़ जो हुई है वो ये होया कि अयोटा जिहड़ा है फट गया मरीज नूं साढ़े बलगम दे विच खून आण लग पिया। बहुत लक्की है अपना मरीज कि वह जिहड़ा अयोटा फटिया वो फेफड़े दे विच फटिया। हुण साडा काम की सीगा इहनूं सारे नूं रिपेयर करना है तो जिथों फटिया है उहनूं असीं ठीक करना है। तो असीं की कीता हैगा दो स्टेज में असी इस प्रोसीजर नूं कीता है। सब तो पहला असी की कीता डॉक्टर एलन जोसफ सर की अगवाई विच जो कार्डियक सर्जन ने साडे सीनियर उन्होंने ब्रेन की नाड़ियाँ से दोनों बाहों की नाड़ियाँ क्योंकि साडा अयोटा इतों स्टार्ट होंदा है ये थले नूं जांदा है पूरी लत्तां नूं सप्लाई दिंदा है इतों जो ये मुड़दा है मोड़ लैंदा है तो दोवें बाहों नूं ब्लड की सप्लाई जा रही है ब्रेन नूं ब्लड की सप्लाई जा रही है। हुण जे अयोटा इतों फटिया है तो सारे अंग जिहड़े हैगे है ये खतरे च नहीं। हुण उस चीज़ नूं बचाने लई आपां की कर सकते हैं भी एक तो चलो असीं रिपेयर करना ही है जिहड़ी चीज़ फटी है पर जिहड़ी उपर नूं नाड़ियां जा रही हैं उन्हां नूं भी नाल दी नाल रिपेयर करना पैंदा है। तो ये जो प्रोसीजर हैगा जिहड़ी ब्रेन दीआं नाड़ियां ते हत्थां दीआं नाड़ियां नूं ब्लड सप्लाई दोबारा जिहड़ी हैगी है ठीक करना है ये बहुत ही कठिन प्रोसीजर है। टाइम आपां अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते भी जदों आपां स्टार्ट करना है कदों खत्म होना है क्योंकि बहुत बरीकी का काम है ब्रेन दी नाड़ी दे विच एक मिलीमीटर का क्लॉट भी जो है अदरक कर सकता है। असी ब्रेन की नाड़ियों को थोड़ी देर क्लैंप भी करके रखते हैं मतलब कि रोक के भी रखते हैं कि खून का दौरा एक नाड़ी चू बंद है तो दूसरी नाड़ी चू जा रहा है। इस ऑपरेशन में करीबन 4-5 घंटे लगे असी क्योंकि नाड़ी फट चुकी सी एमरजेंसी केस सेगा। असी संडे को सारे लोग सुबह 6:30-7 बजे इकट्ठा हुए हैं 7:30 बजे पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से लिया गया है तो करीबन 1-1.5 बजे तक ये ऑपरेशन चलिया भी गले की दोवें नाड़ियाँ तो बाहों की दोवें नाड़ियाँ इन्हों जो है नवे ग्राफ्ट असी फिट किए सिर्फ इन्ना करके असी रुक नहीं सकते क्योंकि जो साड़ी मेन चीज़ हैगी है भी जिहड़ा अयोटा फट चुका है उन्होंने भी रिपेयर करना है तो उहदे लई कुछ स्पैशल आ ग्राफ्ट हैगे ने जिहड़े कि इंपोर्ट होंदे ने बाहरले देशों तों। इस पर्टिकुलर मरीज लिए ये लकी सी भी सानू ये जो ग्राफ सेगा ये किसी हॉस्पिटल च चंडीगढ़ पिया होया सी ते सानू अवेलेबिलिटी जल्दी हो गई ते असी उस कंपनी नू रिक्वेस्ट की थी ते उन्होंने सानू ये ग्राफ जल्दी अवेलेबल करा दिता। एक ग्राफ जिहड़ा ट्यूब की तरह होंदा है हुण तुसीं आ देख सकदे हो कि साडे मरीज दे विच आ नाड़ी इन्नी ज़्यादा फुल चुकी सी प्लस फट चुकी सी। हुण उपरला काम साडे सर्जन साहब की अगवाई दे विच बहुत अच्छा हो गया भी चलो ब्रेन की नाड़ियाँ असी नवीं फिट करतीआं बाहां की नाड़ियाँ नवीं फिट करतीआं। हुण असल काम सीगा भी ये जिहड़ा पूरा फटिया होया अयोटा है इहदे विच एक नवीं ट्यूब फिट करनी जो कि अयोटा का काम करेगी ते सारे एरिए नूं सील करेगी ताकि वह जिहड़ा ब्लड लीक है वह होर ना होवे। इहनूं पाउणा फिर एक चैलेंज होंदा है तो ये बहुत ही जिहड़े एडवांस्ड सेंटर्स हैगे आ साडे देश दे विच कुछ गिणवे चुनिंदे ने जिथे कि यह प्रोसीजर हो सकता है जिथे कि हार्ट के डॉक्टर कार्डियक सर्जन बेहोशी वाले जो कार्डियोलॉजी के स्पैशलिस्ट बेहोशी वाले डॉक्टर साहब होंगे ने ब्रेन के डॉक्टर साहब ब्रेन के जिहड़े सर्जन ने यह सारी टीम जो इकट्ठा होकर चलती है उदों ही ये एडे बड़े ऑपरेशन जो करने ये पॉसीबल हैगे है। हुण इसनों इतने देख के बड़ा अच्छा लगता है भी फटाफट ये फिट हो गया पर इनू पाण दे लई फिर एक पूरा एक मिशन दे वांगू हुंदा है प्रॉपर प्लैनिंग हुंदी है सानू इहदा सीटी स्कैन जो है घट्टो घट 20-25 वारी सारी टीम नू खुद एक बार देखना पैंदा है साइजिंग डिस्कस करनी पैंदी है। आ जिहड़ी स्टेंट ग्राफ्ट है ट्यूब दी तरह लत्तां 'चों असीं पाईदा हैगा जिहड़ा एरिया साडा डिजीज है उत्थे तक असीं इह स्टेंट ग्राफ्ट नू लै के जाईदा है इक तार दे उप्पर
फिर असी उन्हों चेक करना है भी वो लीक कितने है, नाड़ी फटी कितने हुई है, तो जिन्ना भी कह लो भी डिजीज एरिया हैगा जिथे नाड़ी फुली हुई है या फटी हुई है वो कि जगह हैगी है। उन्हों तुसी सोचो भी जो किसी मशीन को आप ठीक कर दें तो आप अखा के सामने फटाफट सब कुछ कर लेता है। ये जिहड़ा साडा शरीर है ये भी एक बहुत कॉम्प्लीकेटेड मशीन है जो रब की कह लो एक सुप्रीम इंजीनियरिंग है। हुण असी शरीर के विच कर रहे हैं पर असी कोई उपर चीरा नहीं लगाया, सारा कुछ असी लख चु कर रहे हैं तो असी एक्सरे मशीन जो फ्लोरोस्कोपी जिन्हों कहने वो सहारे दे नाल कर रहे हैं। ये ग्राफ्ट उत्थे प्लेस करके तो असी उसकी पोजिशनिंग चैक करी दी है, ब्रेन की नाड़ियाँ का खून का दौरा सही चल रहा है वो चैक करीद, खून को असी थोड़ा पतला रखी दे ताकि ये उपर क्लॉट ना जमे। आ एक एक्सरे का व्यू है भी किवें वो ग्राफ्ट को असी पोजिशन करते हैं। जो एक बार सानू सारी टीम में बिल्कुल तसली हो गई है भी साड़ी पोजिशनिंग ठीक है क्योंकि एक मिलीमीटर अगे या एक मिलीमीटर पास पिछे वो की है एक अद्धी खून की नाड़ी एक्सट्रा साड़ी ब्लॉक हो सकती है, मरीज नू दोने लत्तां दा कह लो भी पावर जा सकती है, अधरंग हो सकता है, ब्रेन नू ब्लीडिंग हो सकती है, नाड़ी जिहड़ी है होर ज़्यादा फट सकती है। जो एक बार पोजिशनिंग पूरी चैक हो गई फिर असी इनू ग्राफ्ट नू खोलना हौली हौली शुरू करी दे, इनू 5-6 मिनट लगाई दे ताकि ये ना अगे जाए ना पिछे जाए। ये सब कुछ शुरू हो रहा है जो साडा मरीज वेंटीलेटर से है बेहोश किया हो पर हर अंग चल रहा है चाहे वह हार्ट है चाहे ब्लड की सर्कुलेशन है, असी सर्कुलेशन में रोकया नहीं होया। चैलेंज यही है कि सारा कुछ जो है एक बीटिंग हार्ट से हो रहा है, मरीज साडा बेहोशी वाले डॉक्टर साहब ने वेंटीलेटर से रखा हुआ है। जो एक बार पोजिशनिंग वगैरह साड़ी बिल्कुल कन्फर्म हो जाती है फिर असी उन्होंने थोड़ा बहुत अगे करके बिल्कुल सैटल करके हौली हौली करके असं जो है उन्होंने डिप्लॉय कर दीता है। काम इतने ही नहीं मुक जाता है, फिर एक बार डिप्लॉय हो गया तो सू बिल्कुल तसली होनी चाहिए है भी जो साड़ी पोजिशनिंग है वह बिल्कुल सही हुई है एक मिलीमीटर के अंदाजे से। जो एक बार डिप्लॉय हो गया फिर असी तारा वगैरह पिछे कढ़ लई दीआं, एक बार दोबारा जो है चैक करी दे भी साड़ी पोजिशनिंग ठीक है, कोई रेजिड्यूअल लीक या कोई कितने नाड़ी जो है फटी तो नहीं रह गई है। जो सू तसली क्योंकि जो माड़ा मोटा भी लीक है तो सू एक होर ग्राफ्ट पाना पै जाता है, तो इस ग्राफ्ट की कीमत ही काफ़ी ज़्यादा है, तो तुम हिसाब लगाओ भी ये ग्राफ्ट जोड़ा है अप्रोक्सीमेटली 4.5-5 लाख रुपए के करीब है, जो ऑपरेशन का खर्चा है वो 4 लाख 4.5 लाख के करीब है। पर चलो क्योंकि क्रिश्चन मेडिकल कॉलेज का जो मिशन हमेशा तो यह रहा है सेवा, तो हॉस्पिटल का जो खर्चा है अभी उस तो काफ़ी कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। जो कंपनीज है साड़िया जो सू ग्राफ्ट प्रोवाइड कर दी है असं उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी दी है तो हमेशा तो ही साथ देंदे आए हैं, जो मरीज अफोर्ड नहीं कर सकता या कुछ है तो हमेशा जो कॉस्ट वाले पक्षों सू थोड़ा जहा रियायत दे देंगे। तो यह हैगा जो असी ग्राफ्ट उन्होंने पाया है, तो उस तो बाद जो एक बार सारा ग्राफ्ट असी कर दिता है सानू एक बार रीकनफर्म करने दोबारा एक एंजियोग्राफी करनी पड़ती है भी कोई लीक रहता नहीं गया। फिर जो बेहोशी वाले डॉक्टर साहब ने मरीज को बिल्कुल होश च लिया है फिर असी फिर चैक करना है भी दोवें हाथ दोवें पैर तो ब्रेन की एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल है कि नहीं। तो असी इस पेशेंट को सुबह 7:30 के करीब ओपरेशन थिएटर टेबल पर लिया से वो पहली मंजिल से है, उस तो बाद असी 4-5 घंटे ब्रेन दियाँ ते बाजू दियाँ नाड़ियाँ का ग्राफ्टिंग की हैगी है। उस तो बाद पेशेंट नूं असी बेहोशी वाले डॉक्टर साहब ने बेहोश रखा है, वेंटीलेटर के नाल ही पूरी की पूरी टीम ट्रॉलीज इंस्ट्रूमेंट हार्डवेयर सारा कुछ नाल डॉक्टर बेहोशी वाले पैरामेडिकल स्टाफ साडे परफ्यूजनिस्ट सब के सब पूरी के पूरे 17-18 जने जो है वो फिर असी पेशेंट नूं सैकेंड फ्लोर से लैके गए जिथे कार्डियोलॉजी की कैथ लैब है, उत्थे असी सैकेंड स्टेज जो कि एंडोवैस्कुलर ग्राफ्टिंग है ये की हैगी है। उस तो बाद सानू पूरा प्रोसीजर करते करते करीब शाम के 4-4:30 बज गए थे, 1.5 घंटे तो बाद असी पेशेंट नूं होश च लिया है, बेहोशी वाले डॉक्टर साहब ने ब्रेन वाले डॉक्टर साहब ने प्रॉपर उन्होंने चैक किया है भी ब्रेन में कोई नुकसान तो नहीं होया कोई क्लॉट तो नहीं गया या कोई लीकेज वह तो नहीं गई है। उस तो बाद असी उन्होंने वेंटीलेटर तो ऑफ किया है, तो 5वें या 6वें दिन असी पेशेंट को टांके वगैरह थोड़े जे जो देखे भी सारा कुछ ठीक है, उस तो बाद जो चलन फिरन लग गए हैं बिल्कुल 5वें या 6वें दिन उन्होंने असी घर भेजे। ये जो तकलीफ हैगी एओर्टिक डिसेक्शन जी आप गल कर रहे हैं ये कई बार इन्नी ज़्यादा जानलेवा है कि हर गुजरते घंटे के नाल 2% लोग जो है वो अपनी जान गवाते हैं। हुण तुसीं हिसाब ला लो जे 24 घंटे डिले हो जाए तो 100-50% लोग आपां होवांगे।
ਪਰ ਚਲੋ ਲੱਗੀਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮਲੀ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਤੇ CMC 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਲੈਗੇਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਈਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਲਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਾਉਣ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬੇਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਜੋ ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਨਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਤਾਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫਟ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਾੜੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਲੋ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾ, ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਆਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਫਟ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵੇਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਟੈਂਟ ਅਗਰ ਯਹਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ, ਜਾਂ ਐਥਰੋਸਕਲੀਰੋਸਿਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੂਨਾ ਜੰਮ ਜਾਏ ਅੰਦਰ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡੀਰੇਂਜ ਹੈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਜੰਮ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਲ 'ਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵੀਕ ਹੈ ਉਸਮੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਟਣੇ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਯੂ ਨੋ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾੜੀ ਦਾ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਵੀਅਰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹ
कि गंभीर समस्या आएगी, ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है, जानलेवा है, अगर नहीं टाइम से ट्रीट करो, क्योंकि ओटा फट से चांस बहुत ज्यादा हाई है, ते हर कह रहे कि हर घंटे 2% ज्यादा रिस्क बढ़ता जाता है, तो अगर 24 घंटे हो गए तो उसका बताओ 50% रिस्क बढ़ गया। अपना वेट मेंटेन करके रखना है, आइडियल वेट जोड़ा है वो वेट रखना, वो किस तरह वेट करना, ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करना, वो बाकी चीजें अपने खाने पीने से, सैर करने से, वो सब चीजें। सर इस तरह की ये जो रेड सब्जी जिसको हम कह सकते हैं, ये पंजाब या हरियाणा में कहाँ कहाँ अवेलेबल है?
सी बड़े बड़े सेंटर, बड़े थोड़े जो सेंटर जितने हो सकती है मेरे ख्याल पीजीआई या ऐसे सेंटर्स में ही है, बाकी हो लुधियाना में। तो मेरे ब्रदर जो डॉक्टर सर्जन अमेरिका अपने डॉक्टर गुरुदेव जी इन्हों फ्रेंड उन्होंने फिर सुजैसट किया ही कि मैं इतने चैकअप करवा। फिर जो मेरी इच्छा कि वो स्कैन हुई उस तो बाद पता लगा कि जो भी मैं प्रॉब्लम मेरा बीपी पहला तो ही बढ़ता सी। मेरे को यह अणगहली हुई कि मैं वो जी मेडिसन रेगूलर नहीं खाता जी बीपी बस बीपी बदल के कारण जो भी प्रॉब्लम आई। तो फिर इतने आके स्कैन के इन्होंने दसा कि थोड़ा रिस्की हो गया काम तो मेरे ब्रदर के नाल इन्होंने अच्छी गल की उस बाद इन्होंने सारा कुछ दस दिया। सर हुण कोई प्रॉब्लम है कुछ हूँ? सर प्रॉब्लम तो मैं कोई नहीं, जो भी हूँ इतने ऑपरेशन होया थोड़ा हो कि मैं हूँ वो आदत पानी पैनी जो मैं एक पहला फिट सी जिदा भी है वो तो दोबारा हो जाऊ लेकिन आज थोड़ा ही जहाँ गले के जी चीज तंग इन्ना अच्छ किन्ने दिन हो गए सर ऑपरेशन? 40 दिन हो ही गए हूँ। तुम वैसे सैटिस्फाई हो? हाँ जी मैं सैटिस्फाई। सब कुछ खाए पीने हो? सब कुछ आना खाना पीना ठीक है। पहला ड्रिंक वगैरह करते ड्रिंक सर इतना वीकेंड में करता सी स्मोकिंग मैं बिल्कुल नहीं करता। वेट लिफ्टिंग एक करता सी और जड़ा बीपी 4-5 साल तो मेरा बढ़ता सी। मेरे ब्रदर ने भी ये मैंने कहा कि वो एक अद्धी गोली या कोई नहीं खा सकता पर मैं वो गल नहीं मनी और कारण थोड़ा मैं 4 साल बाद ये प्रॉब्लम डॉक्टर की टीम में कुछ कहना चाहते? मैं इन्होंने यही कहना चाहता थैंक तो करना ही जिहड़ा इन्हां दा स्टाफ आ वो मैनू इदां फैमिली तरह लगा। मैं जिथे मर्जी हॉस्पिटल बैठा वहाँ जिन्हां ने मेरा ओपरेट किया और उन्होंने नाल जिन्ना भी स्टाफ उन्होंने मेरी शक्ल ज्यादा वो नाल ही पुछते हैं मैनू एक फैमिली की तरह ट्रीट करते मैं तो ये बहुत वधिया मैनू लगा। हुण भी मैं सारे मेरे टच विच आ जदों भी मैं आना इच्छे चैकअप दे चाहे वह किसी ने कुछ भी किया हो डॉक्टर साहब तो चलो इन्होंने तो मेन ओपरेट किया नाल जो जिन्ना भी स्टाफ हों सारे फैमिली की तरह पुछ रहे बस ये मैनू चीज़ वधिया लगी जान बच गई है चलो ये भी थैंकफुल हाँ मैं इन्होंने सारे का बस यही कहना चाहता बस ठीक।